हम कार एंथुजियास्ट को परफॉर्मेंस व्हीकल्स बहुत पसंद है, लेकिन वो सारी गाड़ियाँ महंगी से महंगी होती जा रही है हर साल। लेकिन उन्हीं के बीच कुछ ऐसी गाड़ियाँ आ जाती है जो परफॉर्मेंस भी देती है और बजट पर हल्की भी होती है, और उनमें से दो गाड़ियाँ हमारे पास आज है, एक है सिट्रो की C3 और एक है रेनो की काइगर। ऑफकोर्स सिट्रो C3 यहाँ पर नई गाड़ी है और काइगर मार्केट में थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है, लेकिन अभी भी अच्छी खासी ग्रिप पकड़ कर बैठी है। और सबसे खास बात दोस्तों, ये दोनों गाड़ियां सब 10 लाख रुपीज है। ये है 8.15 लाख रुपीज एक शोरूम, और काइगर टर्बो पेट्रोल शुरुआत होती है 8,90,000 रुपए एक शोरूम से। इसका मतलब आपको ज्यादा पैसे भी नहीं भरने होंगे फॉर हाई एंड परफॉर्मेंस। तो दोस्तों इस वीडियो में आकर देखते हैं कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस फॉर बजट। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे सारे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं हर हफ्ते। तो फिर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं यहाँ पर सबसे नई गाड़ी से, सिट्रो C3 के साथ। तो फाइनली हम आकर बैठ गए हैं सिट्रो C3 में, और आई कैन टेल यू दिस इज एक्चुअली अ वेरी फन कार टू ड्राइव। 1200 cc का इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन है और टर्बो चार्ज है, और इसकी पावर आउटपुट काइगर से थोड़ी ज़्यादा है। 110 हॉर्स पावर की गाड़ी है ये, एंड जब आप गाड़ी को पुल देते हो, लाइक एक्सेलरेट करते हो, तब आपको ज़रूर महसूस होता है कि इतने सारे पावर का यूटिलाइजेशन होते ही जा रहा है। और उसी के साथ साथ दोस्तों, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ दोज वेरी रेयर व्हीकल्स जिन जो एक कॉम्पैक्ट और छोटी साइज की गाड़ी है, हैचबैक है, और इसे एक 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है। आई डोंट रियली रिकॉल कि ऐसी कोई गाड़ी हुआ करती थी जो छोटी थी और फिर भी उसे एक 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया जाता था। बट दिस इज़ अ वेरी एंगेजिंग कार टू ड्राइव। इसका स्टीयरिंग फीडबैक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वेरी कम्युनिकेटिव। आपको महसूस होता है कि रास्तों पर सरफेस अगर बदल रही है या गाड़ी ग्रिप छोड़ रही है तो आपको डेफिनेटली ये स्टीयरिंग पर महसूस होने लग जाता है। और वैसे अभी हम गाड़ी चला रहे हैं एक वाइंडी सेक्शन रोड पर, और सरफेस काफ़ी स्मूथ है, इसीलिए आई एम एबल टू पुश द कार अहेड। राइट नाउ आई एम डूइंग समवेयर 75 km/h, एंड द इंजन इज़ वेरी टॉकेटिव, वेरी नाइस रेविंग इंजन, स्मूथ भी है। 3 सिलेंडर होने के कारण इसमें थोड़ी सी वाइब्रेशन आती है, लेकिन इतनी भी नहीं आती कि जो आपको बॉदर कर सके। अच्छा खासा इंजन साउंड भी करता है जब आप उसको हाई रेव करते हो तो। सिट्रो C3 के इंजन का जो ट्यून है वो काफ़ी सोबर है। ये गाड़ी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में काफ़ी अच्छे से चलती है, ना कि रेनो काइगर की तरह आगे आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन दोस्तों, हालांकि इसका ट्यून काफ़ी अच्छा है और काफ़ी पावरफुल है, इस गाड़ी में ड्राइविंग मोड्स मिस आउट हो जाते हैं जो रेनो काइगर में आपको मिल जाते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, ये गाड़ी की हाईलाइट इज़ द 6-speed ट्रांसमिशन। काफ़ी ईजी टू यूज़ भी है ये, और ओवरऑल इसकी जो ड्राइविंग डायनामिक्स है, इसके जो पेडल फील है, पेडल पोजिशन है, स्टीयरिंग पोजीशन है, वो काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड है, ज़्यादा आउट ऑफ रीच नहीं है। ऑफकोर्स इसका एक कारण है क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी कॉम्पैक्ट है, काइगर के मुकाबले ये गाड़ी काफ़ी छोटी भी आपको विजुअली नज़र आ जाएगी। लेकिन इस गाड़ी के जो ओवरऑल कंट्रोल्स है, स्टीयरिंग, पेडल, द गियर स्टिक, काफ़ी अच्छे से पोजिशन किए गए हैं, तो आपके नेचुरली आपके हाथों में और पैर के रेंज में आ जाते हैं। और दोस्तों, वैसे एक और ख़ास बात है मुझे इस गाड़ी की जो अच्छी लगी है, वो है इसके सीट्स। इसकी जो सीट्स है दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है, मुझे काफ़ी अच्छे से अकोमोडेट कर पा रहे हैं। आई एम अ वेरी हैवी पर्सन, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दे रहे हैं अंडर हार्ड कॉर्नरिंग। एंड इफ़ यू थिंक फ्रॉम अ ड्राइविंग एंथुजियास्ट पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए तेज चलाने के लिए जो काफ़ी प्लांटेड महसूस हो रास्तों पर भी, और आपको कैबिन के अंदर भी आपको वो गाड़ी प्लांटेड और सेफ एंड सिक्योर फील करानी चाहिए। एंड आई थिंक सिट्रो C3 उस मामले में काफ़ी इम्प्रेसिव है। सिट्रो C3 को मिलता है एक 6-speed गियरबॉक्स, और इसके जो इनिशियल गियर्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसके रेशियोज काफ़ी वाइड स्प्रेड है। गाड़ी ट्रिपल डिजिट स्पीड काफ़ी आराम से पकड़ लेती है, और ये गियरबॉक्स काफ़ी ईजी टू यूज़ है, और साथ ही साथ इसका जो क्लच एक्शन है वो भी काफ़ी लाइट है। सिट्रो C3 की जो डिज़ाइन है वो टॉल बॉय डिज़ाइन है, और उस बावजूद भी गाड़ी काफ़ी अच्छे से हैंडल करती है, काफ़ी प्लांटेड चलती है रोड पर, और इसका श्रेय जाता है इसके ब्रेक्स को। इस गाड़ी के ब्रेक्स काफ़ी पावरफुल है, और इसकी जो इनिशियल बाइट है वो भी काफ़ी इम्प्रेसिव है, कॉन्स्टेंट फीडबैक आपको आते रहता है।
तो ये हो गई ड्राइविंग की बातें. ऑफ कोर्स ये इस वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं कौन सी गाड़ी ज़्यादा मज़ेदार है चलाने के लिए, लेकिन इस वजह से हम ये इग्नोर नहीं कर सकते कि इस गाड़ी में आपको कुछ फीचर्स नहीं मिलते. और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो जो कुछ फीचर्स की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, वो धीरे धीरे जाकर हर सेगमेंट में कॉमन होते जा रहे हैं, लेकिन इस गाड़ी में अब भी ये कई साल पीछे चल रही है. जैसे कि दोस्तों इस व्हीकल में आपको क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलता, एक मैनुअल एसी मिलता है. हालांकि ये गाड़ी की टॉप मॉडल है, फिर भी ऑफ कोर्स क्लाइमेट कंट्रोल इज़ अ वेरी प्रीमियम फीचर आई वुड से, लेकिन एक बेसिक फीचर जैसे रियर डीफॉगर, पीछे की कांच पर डीफॉगर भी नहीं मिलता आपको, और साथ ही साथ एक वाइपर भी मिस आउट हो जाता है. तो उस वजह से आपकी जो विजिबिलिटी है, विजिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, और विजिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाने के कारण आपकी सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है. Citroen C3 में एक और छोटा पर बहुत ही खास फीचर मिस आउट हो चुका है, वो है डे नाइट इनसाइड रियर व्यू मिरर. और इसके ना होने के कारण शायद आपको गाड़ी रात में चलाने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है. और अगर सेफ्टी की और बात करूं दोस्तों मैं, तो इस गाड़ी में आपको रियर पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं. वैसे वो तो मैंडेटरी चीज़ हो गई है, इंडियन गवर्नमेंट ने उसे स्टैंडर्डाइज कर दिया है, लेकिन रिवर्सिंग कैमरा वो भी नहीं मिलता आपको इस गाड़ी में. तो इस वजह से आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड, थोड़ी सी दिक्कत की बात हो जाती है. अगर कोई नए ड्राइवर है जो गाड़ी सीख रहे हैं, उनके लिए जो चीज़ आसान हो सकती थी अब थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है. यूजुअली गाड़ियों में ड्राइवर साइड के लिए ग्रैब हैंडल यहाँ पर नहीं होता है, लेकिन Citroen C3 में को ड्राइवर के लिए भी ग्रैब हैंडल नहीं दिया गया है. ये बहुत ही मिनिमम चीज़ है जो एक कंफर्ट ऐड कर देती है आपके ओवरऑल कैबिन एक्सपीरियंस में, लेकिन शायद Citroen ने समझा कि ये देना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. तो दोस्तों ये सारी बातें आपको इस गाड़ी में नहीं मिलती. मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इस गाड़ी में क्या क्या मिलता है. सबसे पहली बात, अगर आप कैबिन में आते हो, आपकी नज़र पड़ती है एक फंकी लुकिंग डैशबोर्ड पे. मुझे बहुत पसंद है ये डिज़ाइन, काफ़ी ज़्यादा अटेंशन टू डिटेल दिया गया है इसमें, पैटर्न्स है, इसका कलर स्कीम मुझे बहुत पसंद है, और इसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो भी काफ़ी बढ़िया है. इसका जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है दोस्तों, मुझे वो बहुत अच्छा लगा. इसकी जो लेआउट है ये आपके नज़र के आड़े नहीं आता, और ये आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करता. तो जब आप गाड़ी चलाते हो आपकी नज़र इंफोटेनमेंट स्क्रीन पर पड़ती नहीं है, वो अच्छी बात है, आपका ध्यान रास्ते पर ज़्यादा रहता है. और अगर मैं और बताऊँ आपको इस कैबिन के बारे में, तो इसका सेंटर कंसोल जो है वो काफ़ी थॉटफुली डिज़ाइन किया गया है. काफ़ी सारे स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको मिलते हैं, USB चार्जिंग पॉइंट है, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए भी सिमिलर प्रोविजंस की गई है. इसके जो ओवरऑल कैबिन की फिट है काफ़ी स्नग है. काफ़ी सारी क्वालिटी जो है आप नोटिस करोगे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है. लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नज़र आ रहा है धीरे धीरे. लेकिन दोस्तों एक बात है कि ये बहुत ही नई प्रोडक्ट है, तो इसकी लॉन्गजीविटी पे हम अब कमेंट नहीं कर पाएंगे, बट एक बात है, इम्प्रेसिव क्वालिटी ज़रूर है इस गाड़ी में. और सिमिलर क्वालिटी लेवल्स आपको इस गाड़ी की पिछली सीट पर मिलेंगे. जो डोर कार्ड्स है, डोर पैनल्स की क्वालिटी है, वो भी काफ़ी उमदा है. आपकी जो सीट्स है वो सीट्स बहुत ही फर्म और सपोर्टिव है, और अपराइट है. आपको काफ़ी ज़्यादा नज़ारा मिलता है गाड़ी के बाहर का, तो इस वजह से आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा. तो ये बहुत ही अच्छी छोटी छोटी बातें हैं जो ओवरऑल एक्सपीरियंस थोड़ी सी इम्प्रूव कर देती है. सो इन दैट सेंस ये कैबिन अच्छा है, लेकिन चार लोगों के लिए, शायद पाँच लोग इसमें इतने आसानी से फिट ना हो पाए. तो ये सारी बातें हो गई Citroen C3 की. अब बढ़ते हैं ट्राइड एंड टेस्टेड रेनो काइगर की तरफ. रेनो काइगर में बैठते ही आप नोटिस करते हो कि इसकी जो ड्राइविंग स्टांस है वो SUV की तरह है. मतलब नॉट एग्जैक्टली लाइक द लार्ज SUV जैसे हम स्कॉर्पियो या फिर सफारी में महसूस करते हैं, बट इस गाड़ी की ड्राइविंग स्टांस ज़रा सी ऊंची है. आपको रास्ते का अच्छा खासा नज़ारा मिल जाता है, और साथ ही साथ आपको एक ऊंचाई पर बैठने की फीलिंग आती है. और इसकी जो स्टीयरिंग की पोजीशन है, गियर स्टिक की पोजीशन है, पैडल पोजीशन है, वो एक SUV की तरह है, ना कि एक हैचबैक की तरह. रेनो काइगर को पावर करता है एक 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन. ऑफकोर्स आपको ये गाड़ी ऑटोमेटिक वेरिएंट में भी मिलती है, और ऑटोमेटिक वेरिएंट Citroen C3 में अभी मिस आउट हो चुका है. कंपनी ने कहा है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और अर्ली नेक्स्ट ईयर शायद तक Citroen C3 का एक ऑटोमेटिक वर्जन देखने मिल जाएगा, लेकिन
enthusiasts, I think they prefer the manual. Renault Kiger का जो performance है turbo petrol manual का वो काफी impressive है, लेकिन there is refinement issues. इसका ये मतलब है कि गाड़ी पूरी तरह से completely well tuned नहीं है. इसका जो engine का tune है वो इतना कुछ आपकी साथ नहीं देता जब आप bumper to bumper traffic में गाड़ी चलाते हो. Fueling इतनी प्रिसाइस नहीं हो पाती जब आप गाड़ी क्रीप करते हो. मान लो बहुत ट्रैफिक है या आप गाड़ी कोई टाइट सी जगह पर पार्क करना चाहते हो, तब इसकी जो इंजन की फ्यूलिंग है वो इतनी कुछ ठीक ठाक नहीं है. इसका जो गियरबॉक्स है, वैसे दोस्तों मैं आपको एक और बात याद दिला दूँ, इस गाड़ी में आपको 5-speed गियरबॉक्स मिलता है और सिट्रोस E3 में आपको 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन 6-speed गियरबॉक्स मिलता है. इस गियरबॉक्स का जो थ्रो है वो काफ़ी लंबा है. इसके जो क्लच की एक्शन है वो काफ़ी डीप और स्प्रिंगी है. मतलब गाड़ी जब आप अपशिफ्ट करते हो तो गाड़ी झटके से आगे जाती है, गाड़ी इतनी स्मूथली एक्सेलरेट नहीं करती. हालांकि ये 5-speed गियरबॉक्स है, इसके जो रेशियोज है गियर रेशियोज वो काफ़ी वाइड स्प्रेड है. गाड़ी लगभग 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चली जाती है इन द सेकेंड गियर, तो एक्सेलरेशन काफ़ी अच्छा है. और साथ ही साथ दोस्तों इस गाड़ी की राइड क्वालिटी इट्स वेरी नाइस, काफ़ी प्लांटेड है. और एक और बात है दोस्तों, आप रफ रोड पर इस गाड़ी को काफ़ी अच्छे से तेज चला सकते हो. और एक खास बात है दोस्तों इस गाड़ी की, जो इसकी परफॉर्मेंस को थोड़ी इम्प्रूव कर देती है. इसमें आपको मिलते हैं 3 ड्राइविंग मोड्स, इकोनॉमी, नॉर्मल और स्पोर्ट. जब आप इकोनॉमी में चलाते हो तब गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत ही डल हो जाती है. आपको लगेगा कि ये गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत स्लगिश है, लेकिन जब आप इसे नॉर्मल मोड में या फिर स्पोर्ट मोड में चलाते हो, इंजन में अलग से जान आ जाती है और गाड़ी बस तेज़ भागना चाहती है. एंड ट्रस्ट मी, Renault Kiger जब स्पीड बनाती है बहुत अच्छे से बनाती है और बहुत एफर्टलेसली स्पीड बनाती है. लेकिन फिर भी दोस्तों जो फाइन ट्यूनिंग है इसके, जो क्लच एक्शन की, इसके जो गियर थ्रो की, ओवरऑल स्टीयरिंग फील की, वो थोड़ी सी इम्प्रूव और हो सकती थी. और एक आखिरी चीज़ है दोस्तों Renault Kiger की जो मुझे ना पसंद है, वो है इसके ब्रेक्स. सबसे पहली बात क्लियर कर मैं आपको बता दूं, इसके ब्रेक्स इतने पावरफुल नहीं है. जिस तरीके से ये गाड़ी अपनी स्पीड बनाती है, तेज़ी से आगे जाती है, उतनी ही अच्छे से ये गाड़ी रुक नहीं पाती. इसके ब्रेक्स को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. एंड आई थिंक रेनो शायद अपडेट जब करे तो ये प्रॉब्लम भी शायद सॉल्व कर दे. वैसे Kiger का एक काफ़ी अच्छा ट्रम्प कार्ड है जो सिट्रोस E3 के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं, वो है इसकी फीचर लिस्ट. आपको इस गाड़ी में बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे क्लाइमेट कंट्रोल, एक स्विच फॉर सेंट्रल लॉकिंग, यू गेट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो ऑल डिजिटल है, और इसका जो लेआउट है वो थोड़ा बेहतर है कंपेयर टू द सिट्रोस E3. सिट्रोस E3 का जो ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का लेआउट था वो इतना कुछ इंप्रेसिव नहीं था. और जब आप ड्राइविंग मोड चेंज करते हैं तो इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की लेआउट भी बदल जाती है. इस गाड़ी का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो आपको ज़रा छोटा नज़र आएगा कंपेयर टू द सिट्रोस E3, लेकिन दोस्तों इसका जो ओवरऑल लेआउट है और इसकी जो पोजीशनिंग है और इसका जो ऑपरेशन है वो काफ़ी स्मूथ है. लेकिन एक बात है दोस्तों, इस इंफोटेनमेंट स्क्रीन की जो म्यूज़िक की क्वालिटी है वो इतनी कुछ खास नहीं है. सिट्रोस E3 की क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है. इसकी जो ओवरऑल कैबिन की लेआउट है वो काफ़ी स्पेशियस है. डेफिनेटली Kiger सिट्रोस E3 से बड़ी गाड़ी है ज़रा सी, तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस ओपन अप हो जाती है, और इस वजह से आपको एक बहुत ही बड़ा सा डैशबोर्ड मिल जाता है गाड़ी में. आपको बड़ी विंडोज़ मिल जाती है तो आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया फील नहीं होता. लेकिन ओवरऑल जो डिज़ाइन है गाड़ी की थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड है इन टर्म्स ऑफ लेग रूम एंड हेड रूम. हेडरूम दोस्तों मुझे इतना कुछ ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं लगा है. मेरी हाइट है 5'8", और अगर कोई 6 फुट का आदमी है उसे शायद 6 फुट के लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है ये गाड़ी चलाने में. वैसे ओवरऑल कैबिन की जो क्वालिटी है वो काफ़ी एडिक्वेट है. इसकी जो प्लास्टिक है वो हार्ड प्लास्टिक्स है, थोड़े से स्क्रैची फील होते हैं आपको, लेकिन नथिंग बैड फॉर द प्राइस. और एक और बात है दोस्तों, आपको इस गाड़ी में मिलते हैं पावर्ड मिरर्स जो आपको सिट्रोस E3 में नहीं मिलते थे. सिट्रोस E3 में आपको मैन्युअली टॉगल स्विच मिलता है टू ऑपरेट द मिरर्स, तो दैट इज़ अ बिग बिग डिसअपॉइंटमेंट. ऑफकोर्स इस गाड़ी में वो दिक्कत नहीं आती. और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, इसके जो मिरर की डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड है. आपको अच्छा खासा व्यू मिल जाता है आपके पीछे वाली गाड़ी का. Kiger की जो पिछली सीट है वो भी डेफिनेटली इम्प्रेसिव है. अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाता है आपको, फर्म है वो सीट. लेकिन एक बात है दोस्तों, इस गाड़ी में भी इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है
जितना आप एक्सपेक्ट करते हो एक एसयूवी लाइक गाड़ी में। ऑफ कोर्स सिट्रो C3 के मुकाबले ये गाड़ी डेफिनेटली ज़्यादा स्पेशियस है, पर थोड़ा और बेटर हो सकता था। ऑफ कोर्स काइगर को मार्केट में आकर काफ़ी टाइम हो चुका है और रेनो ने उसे अच्छा खासा अपडेट भी दे दिया है इन टर्म्स ऑफ कॉस्मेटिक्स। आपको कलर स्कीम मिल जाती है, डैशबोर्ड में थोड़े से ट्वीक्स मिल जाते हैं, लेकिन दोस्तों ओवरऑल इसकी जो अपीयरेंस है वो गाड़ी का ज़्यादा बदला नहीं गया है, वो बेसिकली आपको सेम गाड़ी मिल रही है एंड शायद इसका जो फेसलिफ्ट है वो अगले साल तक आ जाना चाहिए। तो अब आखिर में आते हैं इन दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग पर। सिट्रो C3 जो टॉप मॉडल है टर्बो पेट्रोल, उसकी प्राइसिंग है 8,15,000 रुपये एक शोरूम, पर इतनी महंगी प्राइसिंग में आपको फीचर्स भी नहीं मिलते। बट ऑन दी अदर साइड रेनो काइगर की अगर बात करें, इसका जो टर्बो पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट है उसकी शुरुआत होती है 8,90,000 रुपये से, लेकिन उसमें आपको इतने सारे फीचर्स नहीं मिलते। अगर आपको फीचर्स चाहिए जो टॉप स्पेक वेरिएंट में मिलते हैं, जो आज ये गाड़ी है हमारे पास, उसकी प्राइसिंग होती है लगभग 1.5 लाख रुपये ज़्यादा या फिर 1,60,000 रुपये ज़्यादा कंपेयर टू दिस व्हीकल। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करके बिना फीचर्स के गाड़ी चलाना पसंद करते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बेहतरीन चॉइस है, लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही अनकॉम्प्रोमाइज ड्राइव चाहिए विद ऑल द फीचर्स एंड बेल्स एंड विसल्स, तो रेनो काइगर इज़ द बेटर ऑप्शन बिटवीन द टू। तो फिर दोस्तों आज के कंपेयरो वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है आदित्य और सब्सक्राइब करना मत भूलिए व्हाट कार इंडिया को। सी यू नेक्स्ट टाइम।